औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम मसाइले ज़िंदगी और आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। आपके भेजे हुए सवालों के जवाब इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आप सवालों के जवाब आप तक पहुँचा रहे हैं, और आपकी खुशनसीबी है कि आज आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अहमद अली आबिदी साहब। आइए रूबरू कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अहम कीमती वक्त हमें दिया है और जवाब पहुँचाएँगे। अल्लाह दुआ की अल्लाह कबूल करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तौफीक दे काम करने के इंशाअल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने नाज़रीन से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आपके सवाल और उसके जवाबात आप तक हम पहुंचाते हैं। अगर कोई हमारा ऐसा नाज़रीन जो सवाल पूछना चाहता है तो स्क्रीन पे जो बार बार अभी आपके सामने नंबर आते रहेंगे उस पर आप कॉल कीजिए। बीप की आवाज़ के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने सवाल उसमें रिकॉर्ड कराइए। आप इस इंतज़ार में मत रहिए कि आपको कोई जवाब देगा। हाँ, इंतज़ार इस बात का कीजिएगा कि मसाले ज़िंदगी प्रोग्राम जब नश्र होगा तो उसमें आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं सवालों का सफ़र। देखते हैं कि पहला सवाल किस शहर से है। मेरा नाम इख्तदार हैदर है, मैं यूपी नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आदम और हव्वा के औलाद हुई, हम लोगों की जो आगे जनरेशन है वो किस कैसे चली, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि आदम और हव्वा के दो बेटे हुए थे जिसमें से एक का इंतकाल हो गया था, लेकिन हम लोग उसके अलावा किसी और औरत के आने का कोई भी कहीं पर कोई हदीस हमने सुनी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हम लोगों की जो आल है वो आगे और कैसे चली। और दूसरा सवाल ये बोलना था कि कल मौलाना साहब ने एक सवाल कहा था, एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उसके दौरान उन्होंने कहा था कि खुदा जो है सुंदर को बहुत पसंद करता है, खूबसूरत को बहुत पसंद करता है, लेकिन सुंदरता भी देना तो इंसान के हाथ में नहीं, वो भी खुदा के हाथ में है। तो सुंदर चीज अगर किसी को अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना अगर है तो उसको सुंदर बनाने के लिए खुदा ही जिम्मेदार है। तो मैं सिर्फ इस बात का जवाब देना चाहता हूँ जो कल मौलाना साहब ने इस बात को वाजे किया। मैं मौलाना का नाम नहीं जानता, ये कल 27 तारीख की शाम को जो प्रोग्राम आया था उसमें ये सवाल किसी मोहतरमा ने सवाल पूछा था मॉडल के ऊपर, कोई लड़का मॉडलिंग करना चाहता था, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि खुदा आप मॉडलिंग कर सकते हैं लेकिन नामहरम के सामने नहीं कर सकते, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ खुदा जो है सुंदर को पसंद करता है तो खूबसूरत भी तो खुदा ही बनाता है, जरा इस बात को वाजे कर दीजिए, ये मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। शुक्रिया, मेहरबानी जी। अगर पहला सवाल नोएडा से है और सवाल को हम दोहराना नहीं चाहते इसलिए कि आवाज़ बहुत क्लियर है, आप जवाब दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनका जो सवाल है खूबसूरती के बारे में, वो आप खूबसूरती को किस उनवान से देखने की कोशिश करते हैं। वैसे इनका पहला सवाल था कि हमारी नस्ल कहाँ से चली जी, तो उसका जवाब खुदा बंदे आलम ने जनाब आदम और जनाब के दोनों बेटों के लिए खुदा बंदे आलम ने जन्नत से औरत भेजी थी और उन औरतों से उनकी शादी हुई और उससे नस्ल चली, यानी ये सगे भाई बहनों में शादियां नहीं हुई थी। जी जी। जिस तरह खुदा बंदे आलम ने जनाब आदम और जनाब हव्वा को जन्नत से भेजा, उसी तरह से इनके बेटों के लिए भी औरतें उनकी जौजा को जन्नत से भेजा और उससे इन दोनों की नस्ल। ये जो औरतें हैं वो हाबिल और काबिल के लिए नहीं बल्कि उसके बाद वालों के लिए। नहीं, हाबिल की औलाद हुई थी ना। अच्छा, ठीक है, उनसे तो चलेगी ना भाई। और दूसरा सवाल जो खूबसूरती, उससे दूसरा मज़ा ज़्यादा खूबसूरती का सवाल है, आप खूबसूरती किस उनवान से देखना चाहते हैं, बदसूरती किस उनवान से देखना चाहते हैं। आप जिसको नहायत बशक्ल समझ रहे हैं आप उसकी माँ से पूछो कितना हसीन है वो। वाह। तो जब माँ बाप के नज़दीक वो बच्चा जिसको आप नहायत बशक्ल समझते हैं वो माँ बाप के नज़दीक सबसे हसीन होता है,
तो जब माँ बाप के नज़दीक हसीन है तो खुदाबंद आलम ने पैदा की उसके नज़दीक कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह, ये तो खूबसूरती और बदसूरती का मेयार हमने करार दिया। आपने गाय परवरदगार से देखें तो हर आदमी हसीन है, बेशक सुभान अल्लाह, तो उसमें कोई बशकल नहीं है, हर आदमी हसीन है। और मैदान क़यामत में खुदाबंद आलम किसी की सूरत के बारे में नहीं पूछेगा, उसकी सीरत के बारे में पूछा है। सूरत खुदा बनाता है, सीरत इंसान अपने अख्तियार से बनाता है, और यही काम आएगी, और यही काम आएगी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतर जवाब नाज़रीन आप तक पहुँचा है। आइए लेते हैं दूसरा सवाल। हेलो, सलाम अलैकुम, मैं मुमरा से बोल रही हूँ। क्या हेज की नमाज कज़ा होंगी, वो हेज में जो नमाज आएंगी उसको कज़ा नमाज पढ़ना ज़रूरी है? और अगर है तो मैं 50-60 की हो गई, तो अभी 3 नमाज कज़ा हुई तो मैं क्या करूँ, किस तरह से वो कज़ा नमाज करूँ? खुदा जी, अगर ये मुमरा से है, अगर हैज की हालत में जो नमाज़ कज़ा हुई है तो कैसे पढ़ सकते हैं कि नहीं, और अगर 50 साल की उम्र हो चुकी है? असल में जो नमाज़ें औरतों के हैज में या निफास में कज़ा होती हैं उन नमाज़ों की कज़ा नहीं है जी, उन नमाज़ों की कज़ा नहीं है। खुदा ने उन नमाज़ों की कज़ा नहीं रखी है, उनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो खुदा ने नमाज़ें माफ़ कर दी हैं जी। बहुत शुक्रिया, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आगा, मेरा ये मसला ये है कि मेरी बच्ची जो है वो 3 साल की थी जब, तो बहुत ज़्यादा बेइंतहा बीमार हुई थी, उसको कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो खैर बहरहाल उसका एक बार डायलिसिस हुआ और वो बच्ची जो है वो अब मतलब बेहतर है, ठीक ठाक है। तो आगा मेरा क्या है कि मैं बस अल्लाह से अपनी बच्ची के लिए तो दुआ चाहती हूँ कि आप दुआ करें। दूसरी बात यह है कि मेरी बच्ची जैसी भी है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ और चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हर तरह से सही रहे। और मैं नमाज में, हर नमाज में अल्लाह का शुक्र ये भेजती हूँ कि मेरी बच्ची जो है खुदा ने मुझे जैसी भी बच्ची नवाजी है वो मेरे औलाद है, और बहुत मैं शुक्र गुजार हूँ उसकी। मैं हर नमाज में शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। तो अच्छा, दूसरी बात यह है आगा कि मेरी बच्ची जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसके बाप ने मतलब मेरा जो शौहर है उन्होंने उस बच्ची को छोड़ दिया है बिल्कुल। और लोग उनसे कहते भी हैं कि तुमने भाई क्यों छोड़ा, क्या मसला है? तो वो कहते यही हैं कि भाई बच्ची इतनी बीमार है, मुझे उसकी कोई मतलब जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है, खुदा ना करे, तो मैं इसलिए उसे नहीं देखता हूँ। इवन वो बच्ची आईसीयू में थी, उसके बाद जो उन्होंने उसे देखना छोड़ा है, तो आज तक उसे 7 साल की है, वो उसे बिल्कुल उन्हें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे खा रही है, क्या खर्च हो रहा है, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम उन्हें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोग अगर वो अपने आप को हुसैनी कहते हैं और हुसैन के चाहने वाले कहते हैं, तो उनका अमल कहाँ तक मतलब काबिल कबूल है उनका अमल, कि वो मतलब सैयद शोहदा की? जी आगा, आवाज बिल्कुल क्लियर है, जवाब दीजिए। ये ज़्यादा उनके बच्चे की बीमारी का ताल्लुक है, उसके दुआ करते हैं खुदा ने बहक मोहम्मद और आल अहमद उनके बच्चे को तोले उम्र अता करे, सेहत अता करे, बुलंद इकबाल करे, उसकी किस्मत को अच्छा करार दे। और जहाँ तक उनके शौहर का ताल्लुक है तो जाहिर सी बात है कि वो संग दिल हैं, और उनके दिल में अगर अपने बच्चे की मोहब्बत नहीं तो दूसरों की मोहब्बत क्या होगी। मसला बच्ची के साथ नहीं है, अफसोस उन पर है कि जो शख्स अपनी बच्ची पर, अपनी औलाद पर रहम नहीं करता, वो खुदा से रहम की उम्मीद किस तरह से कर सकता है? वाकई बच्ची के दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन जब मैदान क़यामत में इनको अल्लाह के रहम की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी इन पर रहम करने वाला नहीं होगा। इनका के लिए ज़रूरी है कि अपने हरकतों से बाज आएँ और बच्ची से मोहब्बत करें, खुदा का शुक्र अदा करें, और अपने घर को कायदे से संभाल के रखें, और जिससे शादी की है, जिस घर में है, उसकी ज़िम्मेदारी मोहब्बत करना भी इनसे फ़र्ज़ है, वरना जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी कोई रहम नहीं करेगा। जी नाज़रीन, तो अभी आपने आगा का मशवरा सुना, वाकई ऐसे कई घरों की हालत हो सकती है, तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को, अपने वाइफ को संभालिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा एक मसला ये है, मतलब मेरा नहीं, सोसाइटी में ये आजकल ये देखा जा रहा है कि 2 शादियों पर लोग जो है वो ज़्यादा मतलब डिपेंड है, और एक नहीं संभल पाती है जो दूसरी कर लेते हैं।
तो और अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि आप मतलब दो शादियां क्यों, तो वो रसूल की दलील देते हैं कि ये नबी की सुन्नत है और चार शादियां जायज हैं। तो वो नबी थे, उन्होंने, एक तो मेरा ये सवाल है कि किन सिचुएशंस में उन्होंने चार शादियां मतलब जायज थी, और ये बात बिल्कुल मतलब इसको कोई शक है ही नहीं कि उनका जो भी वो काम करते थे, जो भी खुदा की तरफ से उन पर वही आती थी और वो था। लेकिन आज मौजूदा जमाने में जो दो शादियां शौकिया भी लोग करते हैं, अगर किसी और सोसाइटी की मतलब गैर मुस्लिम से कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए सवाब का काम है कि हमने एक को मुस्लिम किया। और दूसरी तरफ ये है कि पहली बीवी जो है ना तो उसका कोई हक, ना उससे जो औलाद है उसका कोई हक दिया जा रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक से वो खुश हैं और दूसरी को भी वो खुश रख रहे हैं, पहली को भी खुश रख रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि दो शादियां किन सिचुएशंस में की जा सकती हैं, या पहली बीवी को वो किस वजह से मतलब नाहक किया जाता है, या क्या ये सब है। और उसके साथ नमाज भी हो रही है, रोजा भी हो रहा है और सारे काम हो रहे हैं, मजलिसों में जाया जा रहा है, तो ये सब कहाँ तक जायज है दूसरी शादी का इस तरह करना, और पहली बीवी और उससे जो औलाद है उसको नाहक करके दूसरी से शादी करना, और ये सारे मसले हैं। और फिर रसूल की दलील दी जाती है, माजल्ला तोबा, वो बहुत ज्यादा मतलब पाक और साफ इंसान, और उनका जो अमल है वो बहुत ज्यादा, कोई उस पर सवाल हो ही नहीं सकता। जी, अगर सवाल को मुख्तसर करते हुए, दूसरी शादी किस कंडीशन में जबकि पहली मौजूद हो, और अगर उसको नफका ना अदा किया जाए, और मिसाल लेते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। उसमें के सवालात में कई सवालात पोशीदा हैं। जहाँ तक दूसरी शादी का ताल्लुक है और दो शादियों का ताल्लुक है, इस्लाम ने जिसकी इजाज़त दी है वो एक ज़रूरी काम है, और उसकी एक वजह यह है कि अगर आप इस वक्त औरतों की तादाद देखें तो औरतों की तादाद तकरीबन मर्दों से ज़्यादा है। और दूसरे अगर आप ये देखें कि फर्ज़ किया औरत और मर्द अगर एक ही तादाद में पैदा हों, जितने मर्द पैदा उतनी औरतें पैदा हों, तो औरत या लड़की जो है वो 18 बरस में और 17 बरस में शादी के लायक हो जाती है। जी जी, आम तौर से लड़के 22, 24, 25 बरस में शादी के लायक होते हैं। सही। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो अगर हम 30 साल या 40 साल की बात करें, तो 40 साल में अगर फर्स्ट के पहले 10 साल में 20 लड़कियां पैदा हुई, तो ये 20 लड़कियां 18 बरस की उम्र में शादी के लायक हो गई। ठीक है। जबकि लड़के 20 शादी के लायक नहीं हुए। 20 लड़के पैदा हुए, 20 लड़कियां पैदा हुई, 20 लड़कियां 18 बरस की उम्र में शादी के लायक हो गई, जबकि लड़के अभी शादी के लायक नहीं हुए। अब अगर और ये 20 पैदा हों तो जब ये 40 पर पहुँचेंगी तो 36 साल के अंदर लड़कियों की दो खेप ऐसी है जो शादी के लायक है, सही, जबकि लड़कों की एक ही खेप भी शादी के लायक नहीं होगी। और शादी एक फितरी ज़रूरत है। ठीक है। तो अब अगर सिर्फ एक ही पर इक्तफा करें तो ये लड़कियों की जो फितरी ज़रूरत है कैसे पूरी होगी? आप फितरी ज़रूरतों को तो महदूद नहीं कर सकते ना। ठीक है। भाई जब आदमी को ज़िंदा रहना है तो उसको प्यास तो लगेगी। आप पानी के, आप मैं बता रहा हूँ, उस पानी की कमी के बिना पर आप प्यास के वजूद को ख़त्म नहीं कर सकते। सही। आपको पानी तकसीम करना रह गया मसला। दो शादियाँ क्यों करती हैं? देखिए, आमतौर से दो शादियाँ उस वक्त होती हैं जब कपिल एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। जी, आमतौर से शादियाँ ऐसी होती हैं जब दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते। यह सेटिस्फेक्शन मुख्तलिफ मराहिल पर हो सकता है। जी, एक था सेटिस्फेक्शन, जब आदमी सेटिस्फाई नहीं होता तो उससे शादियाँ दो कर लेता है। दूसरा मसला जो गैरों से शादी का मसला, इस्लाम ने दूसरों गैरों से शादी करने की इजाज़त उस शक्ल में दी है जब वो गैर उसके मज़हब पर आ जाए। अगर उसके मज़हब पर नहीं है और उसके दीन पर नहीं है तो शादी जायज़ नहीं है। ठीक।
शादी के मरहले से पहले ये शादियाँ एक बारगी नहीं होती, ये बात आप यकीन जानिए कि अगर गैर मज़हब में शादियाँ हो रही हैं तो शादी एक बारगी नहीं होती, अरेंज शादियाँ नहीं होती, ये शादियाँ मुकदमात तय करने के बाद होती हैं। उन मुकदमात के जायज़ होने की कोई शक्ल सूरत नहीं है। सही, क्योंकि जब तक इन दोनों का निकाह न हो, ये दोनों एक दूसरे के लिए कायदे से बिल्कुल नामहरम हैं। इनको एक दूसरे पर नज़र डालना भी हराम है और मोहब्बत की ज़बान में बात करना भी हराम है, बात सुनना भी हराम है जी। इसमें कोई ऑफिस वाफिस के कोई कायद नहीं है कि साफ उन्होंने, हराम है, बिल्कुल मुतलक हराम है और ये काम करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर शादी हो जाए और आदमी शादी कर ले तो उसको पहली बीवी के पूरे पूरे हकूक़ अदा करना चाहिए, उसका नफ़ा वाजिब है, उसके साथ रात बसर करना वाजिब है, उसकी औलाद का पूरा पूरा ख़र्चा वाजिब है। यहाँ तक कि अगर पहली बीवी दौलतमंद भी हो, सर्वतमंद भी हो, उसके मायके वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हों, तब भी शौहर की जिम्मेदारी है उसका पूरा ख़र्चा देना, उसके घर मकान का ख्याल रखना और जो उसकी औलाद है उस औलाद का अव्वल से ले कर आखिर तक सारा ख़र्चा इस पर वाजिब है। अगर कोई शख्स ये ख़र्चा नहीं दे रहा है तो खुदावंद आलम की बारगाह में गुनाहगार है और अपनी बीवी का मकरूज है। जब भी हालात ठीक हो तो बीवी का ये मकरूज को यह कर्ज़ अदा करना पड़ेगा जी। तो अगर किसी को शादी का शौक़ है तो पहले का ख्याल रखे, उनके जज्बात का ख्याल रखे, उनकी फितरी ज़रूरतों का ख्याल रखे और उसकी औलाद का बाकायदा से ख्याल रखे, उसको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए जी। अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अब अगला सवाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जोहर अली है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे कोई वालिद के ऊपर कुछ उल्टे चीज़ें हम बोलते हैं तो ये बोलना गलत है या नहीं, जबकि वालिद की गलती क्यों ना हो उस पोजीशन के अंदर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी अगर ये जोहर अली दिल्ली से, सवाल इनका ये है कि अगर वालिद की कभी गलती हुआ हम उनको यानी वालिद साहब को उल्टा सीधा बोलते हैं तो ये कहाँ तक सही? देखिए, कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे वालिद बूढ़े हो जाए और चिड़चिड़े हो जाए तो उनको उफ तक भी न कहो। जिस इस्लाम ने वालदैन को उफ कहने की इजाज़त नहीं दी है वो इस्लाम वालदैन से लड़ाई झगड़े की बात तो दर किनारे, उनसे बुलंद आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं देता। वालदैन से बात कर बुलंद आवाज़ में बात करना तो बात की बात है, उनको गुस्से की नज़र से देखने की भी इजाज़त नहीं देता जी। और जो शख्स अपने वालदैन को गुस्से की नज़र से देखेगा उसकी नमाज रोज़ा भी क़ज़ा व कबूल नहीं होगी। अगर किसी शख्स ने यह गलती कर दी है तो उसका इलाज यह है कि वो अपने वालिद या वालदा जिससे बदतमीज़ी की उसके पास जाए, उसकी गोद में सर रखे, आंसू बहाए और हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी तलब करे। जब तक वालदैन का दिल इस शख्स से खुश नहीं होगा खुदा भी राजी और खुशनूद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अगला सवाल लेते हैं। मैं अमन इलाहाबाद से बोल रहा हूँ और सवाल ये है माना कि मदनी या जंजीरदनी के लिए कई बार मसले आए आपके चैनल पे और लोगों ने सवाल पूछे मगर उस सवाल का सही जवाब अभी तक नहीं दिया। और ब्लड डोनेशन देने की बात करते हैं, आशूरा को हम ब्लड डोनेट कर देते हैं और जंजीरदनी और कमादनी हम नहीं करते। जंजीरदनी और कमादनी करने वाले कितने अफराद होते हैं? चंद लाखों में 150 जंजीरदनी और कमादनी के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक डोनेशन देना है तो आप दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, ब्लड जितना भी चाहे खर्च। बाकी जो लोग 1 लाख में हैं, 99,000 लोग हैं, वो डोनेट क्यों नहीं करते? वही क्यों डोनेट करें कि जो कमादनी और जंजीरदनी कर रहे हैं जो आप करिए और वहाँ दीजिए? ये बहुत अहम मसला है, उसको वाजह करिए जी। अगर अहमद साहब इलाहाबाद से, सवाल इनका ये है कि रंजीरदनी कमादनी जो लोग करते हैं उन्हीं पे वो कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, तो जबकि जो चारों तरफ लोग मातम करते हुए हाथ से होते हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है।
हालांकि उन्होंने मशवरा दिया कुछ आपसे भी चाहते हैं। ये बात उनकी बहुत सही है कि जो लोग जहाँ तक कमर जनी का मसला है तो ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि कमर जनी एक शरी मसला है और इस शरी मसले में हर शख्स को अपने मर्जा और जिसकी तखलीद करा उसके फतवे पर अमल करना चाहिए जी। और ये मसाइल बार बार बयान हो चुके हैं कि किन लोगों ने इजाज़त दी किन लोगों ने इजाज़त नहीं दी है। आयतुल्ला अजमा आगासी सानी ने सिलसिले में कोई फतवा नहीं दिया है, कहा कि ना लगाने की इजाज़त दी है ना लगाने से मना किया। उनका अगर आपको लगाना है तो आप उन मुश्तहिदीन से रुजू कीजिए जो जामे शरायत मुश्तहिदीन हैं, यानी जो ना आगासी सानी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं या उनके पैरेलल में हैं, उनका कीजिए। बाकी जिन महाराजे ने इजाज़त दी अगर कोई आदमी उनकी तकलीर करता है तो उनके फतवे पर अमल करे, और अगर उन लोगों की तकलीर करता है जिन्हें इजाज़त नहीं दी उसको ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई जो लोग मना कर रहे हैं वो खुद जा कर के ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते। अगर आप दूसरों से वो लगा रहा है, वो आदमी जो लगा रहा है अगर वाकई वो उस मर्जा की तकलीद कर रहा है जिसने इजाज़त दी है तो कार्य सवाब कर रहा है, ठीक, उसको सवाब मिलेगा, उसको अजर मिलेगा, वो अपने मर्जा की तरफ से। तो जिस काम को किसी के मर्जा ने जायज़ करार दिया है हम उसको रोकने वाले कौन होते हैं। रह गया ये मसला हमको ब्लड डोनेशन करना है तो आप आके ब्लड डोनेशन की, आपका कहना सही है कि 100 आदमी में से 10 जंजीर लगाते हैं और 90 खड़े रहते हैं, तो ये 90 जाकर के डोनेशन दे ना भाई सही, और जो लोग वहाँ खुद आगे बढ़े। ये कहा है कि नहीं सारा काम इन्हीं को करना है, आप इनको जंजीर रोक करके डोनेशन क्यों करा रहे हैं, आप खुद जाके डोनेट कीजिए जी, और ये डोनेशन आशूर के साल भर आप करते रहिए, लोगों को खून डोनेट करते रहिए, अच्छा काम है जी। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं नाज़रीन, देखते हैं कहाँ से है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मेरा नाम हसन है। मेरा क्वेश्चन यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 14 मासूमीन में आते हैं तो हज़रत अब्बास अल-अंदर क्यों नहीं आते। जी अगर ये हसन साहब अलीगढ़ से, इनका सवाल यह है कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आते। भाई जिसने 14 रखा अल्लाह से पूछिए, अल्लाह ने 15 नहीं रखा ना भाई जी। आप एक मतलब 14 भी कह रहे हैं तो 14 में नहीं आएंगे ना, ये तो 15 होंगे ना भाई जी, तो ये खुदा ने मुअय्यन किया, मुअय्यन हुआ किया है। ये आप कहते हैं 14 कह रहे हैं तो खुदा बंद आलम 14 कौन है, 12 इमाम और एक रसूल खुदा जनाब जहरा जी हाँ। तो अगर आप अपने अपना अबुल फजल अब्बास सलाम को शामिल करना चाहें तो किसी एक को कम करें तो क्या मेरी इजाज़त हक है किसी को कम करने का। नहीं जी, लिहाजा खुदा ने मुअय्यन किया है। आगा का बहुत अच्छा जवाब। अगला सवाल लेते हैं हम। मोहम्मद अकबर रिजवी बलरामपुर से बोल रहे हैं और सवाल है कि तीसरा सलाम जो किया जाता है नमाज में वो किसको किया जाता है। मोहम्मद अकबर रिजवी बलरामपुर, सलाम जो तीसरा सलाम तशहुद के बाद किसको करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वो उन फरिश्तों को किया जाता है जो हमारी नमाज लेने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल। सलामुअलैकुम, मैं अली शाकिर आब्दी बोल रहा हूँ बिजनौर से। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी शख्स के पास करबला मौला का कफन मौजूद है या हम हिंदुस्तानी हैं तो आया उस शख्स के इंतकाल के बाद उसको हिंदुस्तान का भी कफन देना ज़रूरी है या नहीं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अली शाकिर साहब बिजनौर से, कफन लोग करबला से लाते हैं तो हिंदुस्तान में कोई इंसान इंतकाल कर गया है तो उसे उस कफन के अलावा हिंदुस्तान का भी कफन दिया जाएगा। अगर करबला का वो कफन इतना है जो पूरा मुकम्मल कफन है, उसमें चादर है एजार है सब चीज़ें हैं, तो उसको फिर दूसरे कफन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आमतौर से जो कफन करबला से आता है उसमें सारी चीज़ें नहीं होती, एक आध चादर वगैरह उसके अंदर होती है, बाकी सारी जुज़ियात उसके अंदर। अगर पूरा पूरा मुकम्मल कफन है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नाज़रीन अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम जलंधर सिटी से बोल रहे हैं जी। सर ये है, हम जो कारोबार करते हैं जरिए का काम है तो उसमें अगर जैसे हमें कभी पैसे नहीं मिलते हैं और अगर हम किसी सामने वाले झूठ बोल देते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले हैं तो आप उसका हमें सवाल बताइए। जी जरिए का काम करते हैं और अक्सर कभी कभी कहते हैं कि हमें झूठ बोलना पड़ता है सामने वाले से कि अभी हमारे पास पैसे नहीं मिले, तो आप मशवरा चाहते हैं। झूठ बोलना हराम है भाई और क्या,
और झूठ बोल के आपको बरकत भी नहीं होगी, आप सच बोलिए और क्या, इंशाल्लाह बरकत होगी, बरकत होगी, यकीनन बरकत होगी, गुनाह में बरकत नहीं, यकीन जानिए। और रवायत में है कि किसी से पूछा गया मासूम से कि मोमिन चोरी कर सकता है, क्या चोरी कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। इतना ज़्यादा ये शदीद गुनाह, हाँ, इसलिए कि कुरान कहता है कि झूठ वो बोलते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। सुभान अल्लाह। तो अब मोमिन को, खासकर अहले बैत के चाहने वालों को, किसी भी शक्ल में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलिए अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं सैयद मासूम हुसैन, मैं फरमाबाद सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मस्जिद मस्जिदों में और इमामबाड़ों में जो लाइट जो लगाई जाती है, वो लाइट का कनेक्शन अगर मस्जिद के अंदर में नहीं है, तो क्या उसके अंदर में हमारी नमाज जायज़ है? जो हम नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज सही है, या उसके लिए कोई मर्जा का फतवा है? आमतौर पे ये समझ में आता है, पढ़ने में आता है, लोग कह देते हैं कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में जो है वो लाइट जो है मस्जिद में लगा करके यूज कर सकते हैं, क्या ये काफ़ी हद तक जायज़ है? अगर मासूम हुसैन साहब बिहार से, कि उनके इलाके में कोई ऐसी मस्जिद होगी कि जिसमें जो लाइट्स जो उसमें इस्तेमाल हो रही हैं वो मस्जिद के ज़रिए कनेक्शन से नहीं है, वो बाहर से इन्होंने ले लिया है, शायद हमारे आपकी ज़बान में जो कटिया बोलते हैं शायद, तो क्या है फतवा इसके बारे में? देखिए, इस्लाम ने गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी है, आप गैर कानूनी काम ना करें। अलबत्ता ये नमाज जो बिजली जलती है, ये नमाज के अज्जा में शामिल नहीं है। नमाज कबूल होगी पढ़ने वाले की? नमाज सही, जो जला रहा है वो काम गलत कर रहा है, और बहुत ज़्यादा किसी को एहसास है तो उस पंखे के नीचे ना पढ़े और क्या। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। जी सलाम अलैकुम, मैं अशफाक मेहदी बोल रहा हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस्लाम में गाना सुनना और मूवीज देखना हराम है, तो एंटरटेनमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुक्रिया। अशफाक साहब उत्तराखंड से, जब म्यूजिक गाना वगैरह सुनना हराम है तो एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करें? शराब पीना हराम, आदमी पानी पिए ना, एंटरटेनमेंट कुरान पढ़े, दुआएं पढ़े, नोहे सुने, मरसिए सुने, कसीदे सुने, बहुत एंटरटेनमेंट कहते हैं। लेकिन अब जाहिर बात है कि वो जबान जो मिर्चों के आदि हो जाए उसको सादा खाना अच्छा नहीं लगता। तो जब हमारी रूह मुस्तकिल म्यूज़िक से इंटरटेनमेंट लेने की आदि हो गई है तो उसको कुरान लाने में वक्त लगेगा। बेशक बेशक। अपने घरों को कुरानी आयतों से, दुआओं से, नाहों से, मरसियों से मुनव्वर रखिए और उससे बरकत होगी। अहले बैत और कुरान का नाम आएगा तो उससे बरकतें होंगी, आपकी रूह भी पाकीज़ा होगी, जहन भी पाकीज़ा होगा, घर भी बलाओं से महफूज रहेगा। अगर इसमें माफ़ी चाहें थोड़ा जोड़ते हुए, इस लफ्ज़ से लोग इसमें इस्तेमाल लेते हैं कि मज़े के लिए, तो नवा कसीदा ये मरसिया में कैसे मज़ा तो आगे अगर देखा जाए मीनिंग के साथ, मसला ये है कि मज़ा तो ठीक है, ज़ाहिर है कि आपको आदमी को नमाजों में मज़ा आता है, दुआ कुरान पढ़ने में मज़ा आता है, और ये मज़ा अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। हम अपनी रूह को इतना पाकिज़ा बनाएं कि हमें मज़ा इताअत में आए, गुनाह में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल नाज़रीन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हुसैन, कस्बा नौबता ज़िला सहारनपुर से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खुश है, आपके चैनल देख रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे काफ़ी इल्म हासिल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी अहले सुन्नत के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो उसका क्या तरीका है? और यही मेरा सवाल है। सुबह अगर सवाल ये है कि हम अहले सुन्नत के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो तरीका क्या है? हम अहले सुन्नत के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, जमात में शरीक हो सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ फ़िक़्ह इस्नाशरी में, फ़िक़्ह जाफरी में, पेश नमाज के मुन जुमला शरायत में इस्नाशरी होना भी शामिल है, इस बिना पर हम उनके साथ जमात में शरीक हो नमाज अपनी पढ़ें। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला सवाल लेते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुजूरुल हसन दिल्ली से बोल रहा हूँ, और मौलाना साहब और जैद साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दिन चैनल का बहुत ही ज़्यादा जो है वो
को पसंद करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि इसमें और तरक्की मिले आप लोगों को और कौम को और आगे ले जाने में आपके इस मकसद को कामयाबी देता हूँ। मौलाना साहब से मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब मैं हम चार भाई हैं और हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और मैं अपने वालिद की कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हमने ये सुना है कि कज़ा नमाज जो है जिसका फर्ज है वो सबसे बड़े बेटे पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने भाई की जगह मैं अपने वालिद की कज़ा नमाजों को पढ़ सकूँ? शुक्रिया। ज़रूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा, आप लोगों के लिए पेश करते रहेंगे। इनका जो सवाल था, चार भाई हैं, जाहिर सी बात सवाल से मालूम हो रहा है कि ये छोटे हैं, तो ये अपने वालिद साहब की कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, अगर तो क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ें, सवाब मिलेगा इनको बहुत सवाब मिलेगा, बल्कि इनके वालिद की दुआएं इनके शामिल हाल होंगी, खुदा की इनायतें शामिल हाल होंगी और अपने वालिद की जिम्मेदारियों को पूरा करें। खुदा बहुत अच्छा जजाकुमुल्लाह, खुदा आपको इसी तौफीकात में इजाफा करें इंशाअल्लाह और आप काम ज़रूर अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सलामुलैकुम हुजूर, मैं जलवल बहरेज से बोल रहा हूँ। मेरी शादी 1985 में हुई थी तो मेरी औरत ने महर माफ कर दिया था, तो क्या इसके बारे में माफ हो गई कि इसके बारे में बताएं क्या होना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अय्याम अज़ा में यानी जो दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, क्या उनका फातिहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी वालदा अय्याम अज़ा में फातिहा नहीं करवाती। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल है, वाइफ ने 1985 में ही महर माफ़ कर दिया था, माफ़ हुआ कि नहीं, और अय्याम अज़ा में किसी का इंतकाल हो जाए तो फातिहा खानी हो सकती है कि नहीं? महर माफ़ कर दिया तो अच्छा किया, अब आपका जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने महर माफ़ करके एक बड़ा काम किया तो आपका भी अखलाकी फरीज़ा है कि उस महर के उनवान से नहीं बल्कि कुछ तोहफा उनको दें। उन्होंने आप पर एक काम किया कि आपके उसको बरीउ ज़िम्मा कर दिया, तो आप भी इस बरीउ ज़िम्मा के सदक़े में उसके बदले में उनको कोई अच्छा गिफ्ट दें, वो बहर ना हो बल्कि आपकी तरफ से एक तोहफा हो अपनी बेहतरीन शरीक हयात के लिए। और दूसरा सवाल इनका जो है वो दूसरा सवाल इनका ये था कि फातिहा खानी हमारे क्या ज़्यादा फातिहा खानी का ताल्लुक़ है, तो रस्म व रवाज के अंदर चूँकि अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम का गम हम लोगों के गम पर फौकियत रखता है, इस बना पर हमारे क्या कहता है दस्तूर ये है और तरीक़ा ये रही है कि हम इमाम हुसैन के फातिहे से पहले यानी 12 मुहर्रम से पहले किसी का फातिहा नहीं करते और इमाम हुसैन के चहलूम से पहले किसी का चहलूम नहीं करते। ये मोहब्बत और अकीदत का तकाजा है। जी बहुत शुक्रिया। अगला सवाल नाज़रीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे कोई सवाल नहीं है, मैं वजीफ़ा पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से। वजीफ़ा पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से, रिक्वेस्ट है कोई ऐसा वजीफ़ा बताए कि ज़िंदगी में एक बार इमाम ज़माना का ज़ियारत हो जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अगर कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ बताइए कि ज़िंदगी में ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। दुआ कीजिए, रोज़ाना आप दुआए अहद पढ़ा कीजिए और खुदा बंदे आलम की बारगाह में गिड़गड़ा करके दुआ मांगिए ताकि खुदा आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब करे, और ये उनके अख्तियार पर है और आपकी तड़प के ऊपर है। जितनी आपकी तड़प बढ़ेगी और वाकई आपका दिल और आपकी नीयतें सच्ची होंगी तो वो करीम इमाम आपको महरूम नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगला सवाल नाज़रीन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद्रापटन हासन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से हूँ, मेरा नाम है सज्जाद अली। मेरा सवाल ये है कि साइंस में है कि बंदर से इंसान बने और इस्लाम में है कि आदम से इंसान बने, ये दोनों में से क्या सही है, मैं जानना चाहता हूँ। शुक्रिया। सज्जाद अली कर्नाटक से। साइंस के हिसाब से देखा जाए थ्योरी तो बंदर के जरिए जो फिर इंसान बना है, और कुरान अगर
احادیث کے ذریعے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھا؟ دیکھیے، ایک زیادہ کہ سائنس میں خود یہ تھیوری قابل قبول نہیں ہے، خالی تھیوری ہے، اور یہ بات سائنس میں کہ جب تک کوئی تھیوری پریکٹیکل کی منزل تک نہ آ جائے اس وقت تک وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک، تھیوری اپنی آپ پر تھیوری ہوتی ہے، وہ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے. بالکل، آج تک اس ڈارون کی تھیوری کو کسی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا نہیں ہے. یہ ایک احتمال ہے، جبکہ قرآن جو کہتا ہے وہ بات یقینی طور پر کہہ رہا ہے. قرآن جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کو یقینی طور پر بیان کر رہا ہے، اور یہ ڈارون کی تھیوری ایک تھیوری ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور آج کے سائنسدانوں نے اس تھیوری کو خود بخود انکار کر دیا ہے، اور خود ڈارون بھی خداوند عالم کے وجود کا قائل تھا. اچھا، چلیے، بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین. السلام علیکم مولانا جاوید بھائی. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو اپنا مولا عباس کی جو زیارت پہ ہم جاتے ہیں اور امام رضا کی زیارت پہ ہم جاتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگا کے زیارت نہ کرے، دور سے زیارت کرے، یہ عورت لوگ کے لیے بولا جاتا. پھر آدمی عورت سبھی جا کے وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، تو یہ کیا مطلب اس کا مجھے آنسر چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ہم مولا عباس کی زیارت پہ جائے، امام رضا کی زیارت پہ جائے تو ہم ہاتھ لگا کے چوم نہیں سکتے، اور بی بی فاطمہ زہرا اور بی بی ام کلثوم یہ لوگ کی جو زیارت پہ جائے تو آدمی لوگ ہاتھ لگا کے نہ چومے، ایسا بولتے ہیں لوگ، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اس کا جواب مجھے دے دیجیے. آپ کو بہت بہت شکریہ، اور چینل وین کا بہت بہت. ہم بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. زیارت پہ لوگ جاتے ہیں مرد عورت، تو ان کے سوال کے مطابق عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ معصومین علیہ السلام کی زری کو مس نہ کریں، اور مردوں سے کہا جاتا ہے کہ مقدس خاتون کی جو زری ہے تو اس کو مس نہ کریں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھا، جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں وہ آنکھ نہیں لگتے، نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ ناخن رکھتے ہیں کچھ لوگ. ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نجف پہ جائیے، کربلا جائیے، کہیں بھی جائیے، وہاں باقاعدہ زری میں آدھی زری عورتوں کے لیے مخصوص قرار دی گئی ہے. واہ جی، واقعی یہ سب ہندوستانی خرافات ہیں. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ تو زری نہیں تھا، آپ کو چومیں گے کہاں سے؟ معصوم قم سلام اللہ علیہ وہاں بھی جائے، معصوم قم کی زری وہاں بھی ہے، وہاں باقاعدہ مہاراجے کھڑے ہو کر کے اس پہ دعا مانگتے ہیں، جالی کو پکڑ کر کے باقاعدہ گڑگڑا کر کے دعا مانگتے ہیں، بغیر دعا کر کے. چلیے، بہت شکریہ. واقعی ہندوستان کی کچھ رسم و رواج کے سلسلے سے ایسی چیزیں اسلام سے آ کر کے مل گئی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی اسلام ہوتی. سے کوئی تعلق نہیں، خالی یہاں کے خرافات ہیں. جی، اگلا سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے. میں لیاقت امروی بول رہا ہوں. ابھی قبلہ آغا نے فرمایا کہ گرم پانی سورج سے گرم ہوا نہ ہو، اگر دبئی یا بیرون ملک جیسے سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں وہاں تو اس قدر گرمی ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ پانی اور تبا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے تو وضو کر سکتے ہیں. جی، اگر لیاقت ہم روحا سے اسے بول رہے ہیں. دیکھیے، وہ پانی جو سورج سے گرم ہوتا ہے روایتوں اس سے پانی کے استعمال کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ اس سے اسکن ڈیزیز ہوتی ہے. جی جی جی، چمڑے پہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے اسکن ڈیزیز کے. لیکن جہاں پر کوئی چارہ نہیں ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور دبئی وغیرہ میں بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ خود گھر کے اندر ایک دوسری ٹنکی لگا لیتے ہیں تاکہ جو پانی اوپر سے آتا ہے وہ گھر کے اندر کی ٹنکی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا طریقہ یہ ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی، میں سید فرحان حضرت چھپرا سے بول رہا ہوں، اور میں ون چینل 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور میں اس کے اور ترقی کی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماہ محرم میں یا جو اربعین کا مہینہ ہے، یہ دونوں مہینوں ملا کے جو ہم لوگ کم سے کم 2 مہینہ 8 دن فرش اعضا جو بچھاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، جو ختم ہوتے ہیں یا مسجدیں ہوتی ہیں، کیا اس 2 مہینے 8 دن کے پیریڈ میں یا اس درمیان میں ہم کوئی نئی چیز خرید سکتے ہیں، جیسے کہ کپڑا؟ مان لیجئے کہ جاڑے کا دن ہے، ابھی جاڑے سے پہلے شروع ہو گیا، اب مارکیٹ میں اب کپڑے آ رہے ہیں،
तो क्या हम इस बीच में कपड़ा खरीद सकते हैं? अगर उसकी हाजत नहीं है लेकिन मतलब कि अगर खरीद लूंगा तो अच्छा रहेगा, और क्या नई चीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ऐसा कुछ खरीद सकता हूँ? शुक्रिया। अय्याम अज़ा और एक मुहर्रम से इन्होंने 8 रबीउल अव्वल तक की बात की है। इस दरमियान में कोई चीज़ वो ख़रीद सकते हैं, और कहा कि अगर ठंड का मौसम आ जाए और हम जोड़ देते हैं चप्पल गायब हो गई। बस ख़रीदना एक अलग चीज़ है, खुशी मनाना अलग चीज़ है। वो चीज़ जो अय्याम अज़ा में नहीं करना चाहिए वो खुशी मनाना है, वरना जो आदमी दाल चावल खरीद के लाएगा नहीं लाएगा, क्यों नहीं लाएगा तो क्या करेगा, भूखा रहेगा 2 महीने 8 दिन। बस वही खुशी नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। जी अगर बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम रिज़वी बहराइच यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल सर्दियों के ज़माने में रात सुबह के वक्त नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने का दिल होता है, तो मोबाइल में जो कुरान मजीद है मेरे पास, क्या मैं उसको लेट के तिलावत कर सकता हूँ अगर इसमें कोई तौहीन कुरान पाक ना हो रही हो? तो आप मुझे बड़ा मेहरबानी हिदायत फरमाए, शुक्रिया। वस्सलाम। नदीम साहब बहराइच से, कुरान उनके मोबाइल में है तो क्या नमाज के बाद अक्सर वो तिलावत करना चाहें तो लेट के कोई तौहीन तो नहीं? कुरान नाविल नहीं है, अल्लाह की किताब है, उसका एहतराम कीजिए बेशक, और उसका एहतराम किया जाए खुदा का एहतराम किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं कल्याण से बोल रहा हूँ बॉम्बे। मेरा सवाल ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ओरिजिनल नेम क्या है? क्या वही उनका ओरिजिनल नेम है, क्या उसका कोई और नाम है? मोहम्मद सईद साहब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का क्या ये ओरिजिनल नेम है? ये उनका लक़ब है, उनका नाम अली है, अली इब्न हुसैन उनका नाम अली है, और ज़ैनुल आबिदीन और सईद साजिद उनका लक़ब है, नाम उनका अली है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मेरा पहला सवाल है शादी क्यों की जाती है, और इसी में दूसरा सवाल है सारे हुकूक क्या औरत ही निभाती है, अगर मर्द ना निभाए तो क्या करना चाहिए? मैं लखनऊ से अनवर बोल रहा हूँ। अगर आवाज़ बहुत क्लियर है आप बताएं। शादी एक फितरी ज़रूरत है और अल्लाह ने करार दी है, और जो उस पर शादी करता है उसका आधा ईमान महफूज होता है। शादी इबादत है, शादी गुनाहों की मफरत का ज़रिया है, और हुकूक़ से मर्द औरत पर नहीं वाजिब है, जितना मर्द औरत हो जाए उतना ही और मर्द पर भी हुकूक़ अदा करना वाजिब है, और जो आदमी अपने हुकूक़ नहीं अदा करेगा वो मैदान क़यामत में इन हुकूक़ की कोताही पर जवाब दे होगा। जी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन। अगला सवाल। जी कौन साहब बोल रहे हैं? मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ, एजाज फातिमा जैदी। मैं ये बता रही हूँ कि दो सवाल इस वक्त हैं ऐसे कि एक तो ये बताइए कि मजलिस अगर हो रही है और नमाज का वक्त हो गया है तो मजलिस को रोक दिया जाए या नमाज पढ़ने के बाद मजलिस पढ़ी जाए, और क्या फ़र्क है इसमें नमाज में, और क्या कहते हैं इमाम हुसैन, काफ़ी फ़र्क है मेरे ख्याल जहाँ तक है, बाकी आप बताएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात एक बहुत ज़्यादा आगे है कि हर मजलिस में बीबियाँ मौजूद रहती हैं, यानी जनाब फातिमा ज़हरा वगैरह सब बीबियाँ मौजूद रहती हैं, और वो हम गुनाहगारों को दिखाई नहीं देती हैं, कि इसमें क्या सच्चाई है? अगर दो सवाल हैं, आवाज़ बहुत क्लियर आई है, जवाब दे दें आप। ये हमारे हुस्न इंतज़ाम का मसला है कि हम अपने इन मजलिसों के अवकात को इस तरह से मुनज़्ज़म करें कि नमाज के वक्त से पहले तमाम हो जाए या नमाज के वक्त के बाद शुरू हो जी, और उसका एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी, और हमें खुद ऐसा इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तो उसमें कोई टकराव नहीं है, नमाज भी अल्लाह की है और रज़ादारी भी अल्लाह ही के हुक्म से होती है, और अल्लाह के हुक्मों में कोई तज़ाद पाया नहीं जाता। ठीक है, आप काम कर लीजिए। जहाँ तक मसला बीवियों के आने का है, यकीनन रवायतों में इस बात का तस्करा किया गया है कि अम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम इस तरह की मजलिसों में शिरकत की तमन्ना रखते हैं और आते हैं, लेकिन हमें अपनी मजलिसों को ऐसा पाकीज़ा बनाना चाहिए कि मासूमीन की शख्सियतें वो आने के लायक हो जाएं। बेशक बेशक, हमें अपने को कैसे बनाना चाहिए, वरना अगर हमारी मजलिसों में बेपर्दगी है, बेहयाई है और न मालूम क्या क्या है, तो हम किस तरह से अपने में बुला रहे हैं? हम अपने मजलिसों के इतना पाक व पाकीज़ा
اور اتنا اسلامی اخلاق و آداب سے مزین کریں کہ واقعی معصومین علیہ السلام وہاں پر آئیں اور ہماری مجلسوں کو منور فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میں ہاشم علی ملک شہر سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. تمام علماء کرام کو خدا شر دشمن سے محفوظ رکھے. مولانا سے سوال ہے, سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسألوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یعنی اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید فروخت کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو. یہ آیت کس زمانے سے منسلک ہے, موجودہ زمانے سے یا وہ زمان جس کی ہم منتظر ہیں, یعنی زمانہ امام صاحب عصر و زمان کا؟ السلام. جی, اگر شری نگر کشمیر سے یہ سوال کی سورہ جمعہ میں یہ جو بات پیش کی گئی ہے کہ جب بلایا جائے تو اپنے سارے کام چھوڑ کر کے نماز جمعہ کے لیے دوڑو, تو یہ جو ہمارا یہ جو دن چل رہا ہے, یہ سال چل رہا ہے جو, تو اس زمانے کے لیے ہے یا اس زمانے کی طرف نشان دی ہے امام سے ہے؟ اور آج دیکھیے زمانۂ غیبت امام زمان علیہ السلام میں نماز جمعہ واجب تخیری قرار دی گئی ہے. واجب تخیری کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے یا جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں. چونکہ واجب تخیری قرار دی گئی ہے, ہم نماز جمعہ کے اوپر ہی نہیں کہہ سکتے کہ کیا کریں. جس کو اختیار جمعہ پڑھے, جس کو چاہے جمعہ نہ پڑھے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ جل ظہور ہو, یہ نماز جمعہ واجب عینی ہو جائے گی, اور اس وقت لوگوں کی ذمہ داری ہوگی اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر کے آئیں, کیونکہ اس صورت میں کسی کو نماز اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھنا ہوگی. اس دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہوگی, اور جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی, لہذا مسجد آنا پڑے گا. چلیے گا, بہت بہت شکریہ ناظرین. دیکھیے اس طرح سے ہمارے علم میں اضافہ اور اسی کے ساتھ ساتھ معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے. آئیے اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے سوال پیش کرتے ہیں. السلام علیکم, میں سائرہ بول رہی ہوں, میں جے پور سے. سائرہ, میرا سوال ہے کہ میرے سر نا مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں, میری ساس کہتی ہے میں دوسری شادی کراؤں گی, اور میری شادی کو 11 مہینے ہوئے ہیں. آج دیر کے بعد لے کے آئے, چھوڑ کے نہ فون لگاتی نہ کوئی بات کرتے ہیں. میں پوچھتے ہی سوال پوچھنا چاہتی, میری دعا کرے, ایسی دعا بتائے جو وہ مجھے لینے آ جائے اچھے سے رکھے. اور اگر واقعی بہت دل دکھتا ہے, دیکھیے یہ مسئلہ 11 مہینے شادی کے ہوئے ہیں اور شوہر نے اب چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ ساس بھی انکلوڈ ہے. دیکھیے قصہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک عورت نے شکایت کی تھی کہ میرا شوہر مجھ کو نہیں چاہتا, تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو نماز شب پڑھا کرو. جب اس عورت نے نماز شب پڑھنا شروع کی تو کچھ دن بعد پوچھا کیا ہو, کہ مولا بھی اتنا چاہتا اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ, تو آپ نماز شب پڑھیے اور اہل بیت سے توسل کیجیے, انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے, اور آپ کے شوہر آپ کو خود لینے کے لیے جائیں, انشاءاللہ جلدی آپ گھر جائیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جس پر یہ سوالات کے جوابات آپ سن رہی ہوں, آپ اپنے سسرال میں بیٹھ کے سن رہی ہوں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. پرویز ایدی بول رہا ہوں. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں. ایک ہمارے بھائی ہیں اہل سنت سے, ان کا سوال ہے. سلیم صاحب ہے, وہ سعودی عرب میں رہتے. جی, اگر سوال یہ ہے کہ کسی اہل سنت بھائی نے ان سے سوال کیا کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں. اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جو چادر حدیث جو چادر کے سامنے آئے تھے. وہ لوگ جو کیسا میں آئے تھے, جو لوگ کیسا میں آئے تھے, اس چادر تطہیر میں آئے تھے, وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں, اور اس کے بعد بقیہ 9 امام. چلیے بہت شکریہ ناظرین. یہیں آپ سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کون لوگ ہیں. اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی تھی آغا کے ساتھ میں ہی, اور وہ تقریباً 40 سے 50 منٹ کی گفتگو. آپ اگر نیٹ استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کر کے آخر سچ کیا ہے اور اس میں اہل بیت یہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تفصیلی جواب اس میں آپ کو مل جائے گا. اگلا سوال لیتے ہیں. میں قمر عباس ملک سری نگر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. آغا صاحب, جاوید صاحب, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں چینل ون کے تمام متعلقین سلامت رہیں, آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائیں. آغا سے سوال ہے کہ قرآن شریف کو کس زمانے خلافت میں جمع کیا گیا, کن صحابہ کرام نے جمع کیا؟
और काजबानी वही कौन थे, तफसील से जवाब फरमाइए, शुक्रिया, वसलाम। जी कश्मीर से फिर से सवाल है और उनका पहला सवाल ये कि किस खिलाफत के ज़माने में कुरान जमा किया गया, दूसरा किन अस्हाब ने जमा किया, तीसरा कातिबे वही कौन। देखिए कुरान तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जमा हो गया था और उसकी दलील हदीस सकलैन है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब। किताब किसको कहते हैं? अगर किसी शख्स ने कोई मज़मून लिखने के लिए कुछ याददाश्तें इकट्ठा की हैं और ये याददाश्तें मुकम्मल नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है, तो उनको याददाश्त कहा जाता है, किताब नहीं कहा जाता। सही बात। किताब उसी वक्त कहा जाता है जब वो बकदम मुकदमा हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाए। तो ये कुरान तो पैगंबर के ज़माने ही में मुकम्मल हो गया था और पैगंबर जाते जाते कुरान को मुकम्मल करके गए, वरना अगर कुरान किताब की शक्ल में पैगंबर के ज़माने में ना होता तो जिस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे मैं किताब खुदा छोड़ के जा रहा हूँ, लोग पूछे पैगंबर किताब है कहाँ जा छोड़ के जा रहे हैं, यानी पहले जमा हो चुका था। तो जब जब पैगंबर जाने जमा हो चुका था तो वाकई किसी के ज़माने में जमा करने का कोई मसला ही नहीं था। और फिर वो दो सवाल भी रद्द हो रहे हैं, वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे सवाल, क्या कहते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और नाज़रीन फिर से यहीं से यहीं पर कहेंगे कि यूट्यूब पर आखिर सच क्या है कुरान, इस सिलसिले से भी एक तफसीली सवाल जो आपने किया है, इस सिलसिले से तकरीबन 30 से 35 मिनट का एक प्रोग्राम है जो नशर किया गया था यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं तफसीली। अगला सवाल। जी मैं हबीब हुसैन बोल रहा हूँ पूना से। आपका जो विन चैनल है हम रोज देखते हैं, मैं, मेरे अम्मी और मेरे वाइफ और पूरे घर वाले सब देखते हैं और सबको बड़ा ही पसंद है आपका जो ये विन चैनल है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं मतलब वो सब देखते हैं, सब घर वाले सब फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा यूँ तरक्की दे कि आप यूँ हमें दिखाते रहें। और हमारा सवाल है कि मेरे एक्चुअली मेरे अम्मी का सवाल है, मेरी अम्मी ने बोला था पूछने को। सवाल ये है कि करबला के बाद जुलजना और जुल्फिकार कहाँ है, मतलब उसके बाद उसके वो कहाँ गए, इमाम हुसैन के बाद जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो जुलजना और जुल्फिकार कहाँ कहाँ गए, अब वो है कहाँ, मतलब किसके हाथ है, किसके पास है, ये पूरी डिटेल्स, मतलब ये पूरी डिटेल्स से ही हम भी बता रहे थे कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स से बताइएगा आप। जी अगर हबीब साहब पूना से है और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुलजना और जुल्फ़िकार कहाँ है? जुल्फ़िकार इमाम हज़रत अली सलाम के पास है और जुलजना का वाक़ई करबला के बाद इंतकाल हो गया। जी अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आशिक हुसैन श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं चैनल विन का हर प्रोग्राम जोक व शौक से देखता हूँ। खुदा सारे आगा हजरात को जो चैनल विन में मुख्तलिफ प्रोग्राम व मजलिसों में शिरकत करते हैं उम्र दराज व आफियत अता करें, और जावेद साहब जो मसाले जिंदगी के हर एपिसोड को हरजुल अजीज बनाते हैं, मौला उनको दुनिया व आखिर खैर आबाद करे। आगा से सवाल है, क्या नमाज पढ़ते या कुरान पढ़ते सर पर टोपी रखना सुन्नत है? खासकर अगर नमाज पढ़ते सर पर टोपी रखी जाए तो क्या सवाब में इजाफा होता है? दूसरा सवाल, क्या अयान अजाम है, क्या अयान अजाम में भी काले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है? शुक्रिया व सलाम। अगर श्रीनगर कश्मीर से फिर से सवाल है और दो सवाल है कि नमाज पढ़ते वक्त और कुरान की तिलावत करते वक्त टोपी पहनना हमारे कैसे, कोई शर्त नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी शर्त कोई शर्त नहीं। और दूसरा सवाल यह कि अयाम अजा में काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है? नहीं। चलिए नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं। हमें ये जानना है कि इमाम हुसैन कितने भाई थे और क्या उनके भाई कुछ ऐसे भी थे जो करबला में नहीं थे, और हम इमाम हुसैन के भाई के जितने भी हैं उनके नाम बता दीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पंजाब से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे और करबला में कितने नहीं थे, नाम जानना चाहते।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, जनाब अबुल फजल अब्बास, उनके तीन भाई चार भाई है, और एक जनाब मोहम्मद हनफिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अबुल फजल अब्बास, उनके चारों भाई करबला में शहीद हो गए, और जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम हुसैन मदीने में अपना जानशीन और अपना वसी बना करके गए थे। इस बिना पर वो मैदान करबला में नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन उनको मैदान मदीने में मुअय्यन करके गए थे अपनी तरफ से। जी आगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन इसी के साथ। अब अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उड़ीसा से आरा खान बोल रही हूँ। मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं पहले एक गैर मुस्लिम थी, लेकिन अभी मेरी शादी हुई है, मेरे शौहर मुसलमान है, बाकायदा हमने निकाह पढ़ाया, ईमान को कुबूल किया मैंने, 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ, और अभी भी मैं पढ़ना सीख रही हूँ, जैसे कलामे पाक पढ़ पाऊँ, और दुरूद फातिहा भी मैंने सीख लिया है। लेकिन जमात में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे हाथों से फातिहा नहीं होगा, ना ही मेरा नमाज कबूल होगा, क्या ये सही है? प्लीज आप इसका आंसर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आरा खान उड़ीसा से, बड़ा अजीब सवाल। ये गैर मजहब से इस तरफ आई हैं, और उनका कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका, आपके ज़रिए जो फातिहा खानी हो रही है वो कबूल नहीं है, आपकी नमाज़ कबूल है। आपकी नमाज भी कबूल है, आपकी फातिहा खानी भी कबूल, आपका हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल शौक से करें, और किसी की बातों हर वो अमल जो खलूस के साथ सही तौर से अंजाम दिया जाए वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा बेशक। आइए नाज़रीन इसी के साथ अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब नमाज के बाद जमात के बाद हम इकट्ठे पढ़ सकते हैं तस्बीह हज़रत ज़हरा कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ इधर से 40 किलोमीटर से ज़्यादा एज ए ड्राइवर, गवर्नमेंट ड्यूटी है, क्या मैं इसमें कसर पढ़ सकता हूँ या बराबर नमाज? अगर श्रीनगर कश्मीर से फिर से सवाल है। पहला सवाल तो ये था कि नमाज के फौरन बाद नहीं बल्कि थोड़ा रुक करके क्या हम तस्बीह पढ़ सकते हैं, और दूसरा सवाल इनका काम ही है ट्रेवल करना, आना जाना, तो उस हालत में नमाज कसर पढ़ी जाएगी या पूरी? रवायत में है कि आप जनाब ज़रा सलामुल्लाह की तस्बीह जितनी जल्दी पढ़े उतना बेहतर है, और पहलू बदलने से पहले पढ़ना चाहिए जी, ताकि सवाब आपका बरकरार रहे ज़्यादा। अलबत्ता अगर आप थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, थोड़े से सवाब में कमी होगी। और अगर आपका काम सफ़र है, ड्राइवरी है, या आप रोज़ाना सफ़र करते हैं, तो आपकी नमाज कसर नहीं बल्कि आपको नमाज पूरी पढ़ना पड़ेगी और रोज़े भी रखना पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन अगला सवाल लेते हैं। शिलोंग से बोल रहा हूँ मैं, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है मौलाना से, और इस्लाम में दाखिल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थैंक यू। शिलोंग से रमेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप इतनी मोहब्बत और इतने उससे आप हमारे चैनल को देखते हैं। इस्लाम में रीबर्थ और दाखिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस्लाम में रीबर्थ का कोई तसव्वुर नहीं है, यानी हम जब दुनिया में मर जाएंगे तो दुनिया में मरने के बाद फिर मैदान क़यामत में दूसरी मरतबा उठाए जाएंगे, इस दुनिया में फिर मरने के बाद वापस नहीं आएंगे। जी जी, और इस्लाम की तरफ आने के लिए मसला इस्लाम में आने कुछ नहीं, कलमा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह व अन्ना अलियन वलीउल्लाह सलावातुल्लाह सलाम, आपको कलमा पढ़ना है। लेकिन इसके आने से पहले बाकायदा आपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, वरना कहीं आपके ऊपर बहुत से लोग हंगामा ना कर दें, आखिर क्या कहते हैं। जी जी, हो सकता है, तो ये मशवरा है आगा का, आप इस पे अमल आइए और शौक से आइए और सोच समझ के आइए, कोई आपसे पूछे तो अपनी दलीलें उसके सामने पेश कर दिए और आइएगा तो मोस्ट वेलकम। और अलबत्ता एक चीज़ लोगों को मिलती है कि वो लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं, खुदा के रसूल को तोहफ़ा ये मिलता है कि वो इस कलमा पढ़ने के बाद ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो, उसके सारे गुनाह गुज़्ता माफ़ हो जाते हैं और फिर नया अकाउंट उसका शुरू होता है। जी, ये ख़ास खुदा की इनायत ऐसे लोगों के लिए। आइए अगला सवाल लेते हैं।
सलाम अलैकुम, मैं अली इमाम सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी सुल्तानपुर से सुराफानी। जनाब मेरा ये क्या बोलते हैं सवाल है, क्या शहजादी जैनब ने दरबार यजीद में लहजे मौलाए कायनात में बात की थी कि नहीं? कहने का मतलब है कि मौलाए कायनात के आवाज में बात की थी कि अपनी आवाज में बात की थी? बड़ी मेहरबानी होगी, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। दरबार यजीद में जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बात की थी या उनकी आवाज में बात की थी? लहजा और आवाज एक ही चीज होती है ना भाई, ये सवाल है। मौलाना ऐसे ही जनाब जैनब ने जब खुतबा देना शुरू किया तो वो लोग जो अली अलैहिस्सलाम का खुतबा सुन चुके थे वो ही कहने गए थे क्या क़यामत आ गया? क्या क्यों? कहा मुझे यकीन है कि अली अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके हैं और इस वक्त जो बोल रहा है वो अली के अलावा कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। जो लोगों ने मौला के खुतबे सुने थे ऐसी शबाहत थी। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल अली का लोगों का कहना था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क़यामत आ गई क्या? उन्होंने पूछा क्यों क़यामत आ गई? क्या मुझे यकीन है अली सलाम शहीद हो गए और ये जो खुतबा दे रहा है अली के अलावा कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मेरे कानों ने बहुत मरतबा अली के खुतबे सुने हैं। और जब लोगों ने कहा अली नहीं जनाब जैनब बोल रही हैं तो उनका जैनब अली की बेटी और बाजार शाम, तो कहा कि हाँ। कहा यह भी है कि जैनब के सर पर चादर नहीं है। इतना रोए का खुदा का शुक्र है परवरदगा, तूने मेरी दोनों आंखें ले ली, मैं अपनी शहजादी को बेपर्दा न देख सका। जी चलिए नाज़रीन के साथ अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरीफ खान है, मैं रामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मैं कहना यजीद किस मौत से मारा था? जी अगर रामपुर से सवाल है, इनका पूछना ये है कि यजीद किस मौत से मारा था? यजीद अपनी मौत से मरा था। यजीद जनाब मुख्तार के हमलों से भाग करके भाग गया था और जंगल में कहीं मर गया। जी अगर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन, ऑडियो आपके जो सवाल आए थे उसके जवाब हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब जो मेल और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आए हैं अब उसकी बारे हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँगे।